जैसे बॉबी पवार जी है तो उन्होंने युवाओं के लिए मतलब संघर्ष किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन मोदी जी के नाम पर आप कब तक चलेगा? कम से कम आपको जन मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे मशीनें बहुत आ रखी है, लेकिन कोई मरीज आता है तो सीधे रेफर दे रहा हूँ। आपने सांसद जी को बताया नहीं? आपने कई बार बता चुके हैं, लेकिन सांसद जो है क्षेत्र में दिखती नहीं है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसके लिए तो काफ़ी लोगों ने मतलब संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई उसके लिए, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हम लोगों की भी गलती है, या मतलब हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, तो अंकिता भंडारी जी को मतलब न्याय मिलना चाहिए। माननीय सांसद जी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि सांसद अपने क्षेत्र में बीच में रहे। सांसद माला लक्ष्मी साथी, उन्होंने आज तक 3 बार बन चुके थे, आज तक हमने उनकी शक्ल अभी तक अपनी यमुनोत्री विधानसभा में नहीं देखी। एक बार आती है वोट देना मोदी के नाम पे। भाजपा को 400 पार होना चाहिए, क्योंकि देश में अनेकों ऐसे काम हुए जो जिन कामों से आज देश का माथा ऊंचा हुआ है। हरिद्वार में टिकट बदल दिया, मिशन जी का टिकट बदल दिया और त्रिवेंद्र जी को दे दिया, क्या यहाँ रानी जी का टिकट नहीं बदला जा सकता था? लोकतंत्र का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है, आगामी अप्रैल माह की 19 तारीख को मतदान होना है। उत्तराखंड में प्रथम चरण में मतदान होना है। तमाम जो राष्ट्रीय और राजनीतिक पार्टियां हैं, साथ में जो निर्दलीय हैं, वो लोग भी जो है मैदान में उतर चुके हैं। कुल मिलाकर के चुनावी समर और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लोग जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र की ओर जो है रुख कर दिए हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग करने लगे हैं। साथ में उनके जो उनके अनुयायी हैं वो भी उनके साथ चढ़ करके इस कंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं यमुनोत्री विधानसभा में, जो कि टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। उत्तरकाशी के सिनेरियो की अगर बात करें तो 3 विधानसभा यहां पर हैं, उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री और कुरोला, ये टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। और प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो ज्योत सिंह गुनसोला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, साथ में रानी भाजपा की उम्मीदवार है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे बॉबी पवार मैदान में उतरे हैं। यहाँ की आवाम है, युवा हैं यमुनोत्री विधानसभा के, इनसे ही जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना है इन लोगों का चुनाव के बारे में। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद डोभाल है। विनोद जी, रानी जी भी उतर गई हैं भाजपा से, कांग्रेस से गुनसोला जी और निर्दलीय बॉबी पवार, क्या कहेंगे आप? आज से उत्तराखंड में नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है। टिहरी लोकसभा में 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन, हो सकता है कम ज़्यादा नहीं करा होगा, जो मुख्य तौर पर 3 प्रत्याशी आ रहे हैं सामने। एक भाजपा से है पूजनीय हमारी रानी माता राजलक्ष्मी जी, एक कांग्रेस से गुनसोला जी हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो काफ़ी चर्चा में है बॉबी पवार जी, एक वो है। तो अभी जहाँ तक यमुनोत्री विधानसभा की बात है, इस विधानसभा में जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव लोगों के जुबान पे जो चीज़ होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कांग्रेस की तो यमुनोत्री विधानसभा में कोई बातचीत ही नहीं है मतलब। और आज गुनसोला जी आए भी थे तो आप पत्रकार साथी लोग, आपने उनकी स्थिति देखी भी होगी, उनके साथ आज की डेट में कोई दिख नहीं रहा है। ये उनके अपने कर्म जो है उसको आज भुगत रहे हैं कांग्रेस वाले। अब रही यहाँ जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं, उसमें ज़्यादातर लोग आज की डेट में भाजपा और निर्दलीय में जो लोग जो बात कर रहे हैं, इन दोनों की कर रहे हैं और वहाँ व्यक्तित्व की बात हो रही है। एक जो लड़का एक संघर्ष करके निकला है, जिसने आम बच्चों की, बेरोजगारों की समस्याओं के लिए जो लड़ा है, उसने अपने व्यक्तित्व को काफ़ी अच्छा बनाया है। और एक जो राजघराने से आती हैं माता लक्ष्मी, उनके ऊपर साक्षात बद्री विशाल का आशीर्वाद है और हम उनकी प्रजा हैं, सीधी सी जो बात है। और तो इन कुल मिलाकर के खेल राजा और प्रजा के बीच में है। राजा ना कह करके रानी और प्रजा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुनसोला जी ने भी यही चीज कमोबेश कही है। आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो मेरा सभी को प्रणाम। मेरा नाम सोनी तोमर है, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जीडीसी बड़कोट। बहुत बढ़िया। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि छात्र संघ अध्यक्ष यानी कि एक युवा सोच भी आज इस चौपाल में हमारे बीच में है। जी कंटिन्यू करें। तो जैसे आपने मतलब पूछा कि इस बार एक तो बॉबी पवार जी हैं टिहरी लोकसभा से, और सांसद जो पहले थी वहाँ पर माला राज्य विजय लक्ष्मी जी, तो मेरा कहना ये होगा कि जो मतलब जनता के हित में कार्य करे
उसको आगे लाना चाहिए। जैसे बॉबी पवार जी है तो उन्होंने युवाओं के लिए मतलब संघर्ष किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, जिन्होंने जो है जनता के लिए युवाओं के लिए संघर्ष किया उन लोग को आना चाहिए, ऐसा कहना है इस बिटिया का। ये छासंग की अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। एक और युवा हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी। विनोद जी, समस्याएं अपरंपार, निदान हुआ नहीं हुआ, आपसे जानेंगे क्या समस्याएं देखी आपने? बहुत समस्याएं हैं। क्या क्या है? यहीं बड़कोट की बात की जाए तो हॉस्पिटल में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, यहाँ पे मशीनें बहुत आ रखी है, लेकिन कोई मरीज आता है तो सीधे रेफर दे रहा हूँ। आपने सांसद जी को बताया नहीं? आपने कई बार बता चुके हैं, लेकिन सांसद जो है क्षेत्र में दिखती नहीं है। इस बार जो है दो प्रत्याशी मैदान में है, दिखती नहीं है, दिखती नहीं है सांसद, दिखती नहीं है, ऐसा कहना है युवा का। आपका क्या नाम है सर? सर नाम अमित रावत है। पहले तो मेरे सभी को नमस्कार। रावत जी, एक प्रश्न आया कि सांसद दिखती नहीं है, 5 साल में नहीं दिखी, क्या कहेंगे? माननीय सांसद जी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि सांसद अपने क्षेत्र में बीच में रहे, क्षेत्र का विकास हो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है, और पूरा कार्यक्रम उनका ये है कि अपने क्षेत्र के विकास के प्रति वो पूरा सजग रहती हैं और अपने मुद्दों को उठाती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी मैं भाजपा का महामंत्री हूँ। अरे वाह, ठीक है। अच्छा आपका क्या नाम है सर? तरवीन राणा। तरवीन जी, आपसे एक सवाल मेरे मन में कौंधा, वो पूछना मैंने उचित समझा, मुद्दों पर वोट होगी या व्यक्तित्व पर? मुझे जहां तक लगता है देश में देश की राजनीति जो है मुद्दे के अनुसार ही होनी चाहिए, मुद्दों पर ही वोट देने चाहिए, मेरा यही कहना है। मुद्दे पर वोट हो तो देश की राजनीति में कुछ निखार आएगा, और जहां तक मुझे लगता है कि अभी जो टिहरी लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, टिहरी लोकसभा में हम सब लोग बैठे हैं अभी, और यहाँ के लिए सब लोग कह रहे हैं युवा का आना जरूरी है, मैं मानता हूँ युवाओं का आना जरूरी है, लेकिन अगर हम यही सोचते रहे, आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे एक अलग जान पहचान बनाने वालों में से एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान है जो आज विश्व विख्यात है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस समय भी इस दौरान भी जैसे भाजपा का कहना है, मैं भाजपा एज अ पॉलिटिकल इशू से नहीं कहूंगा लेकिन एक युवा के नाते कहूंगा कि आज जिस प्रकार से भाजपा 400 पार की बात करती है, मुझे लगता है भाजपा को 400 पार होना चाहिए, क्योंकि देश में अनेकों ऐसे काम हुए जो जिन कामों से आज देश का माथा ऊंचा हुआ है, जैसे कि मैं कुछ विषय रख दूं, जैसे कि अपने राम मंदिर का जो इश्यू वर्षों से चले आ रहा था, ये कांग्रेस सरकार में भी यही चल रहा था कि राम मंदिर राम मंदिर, लेकिन आज भी वही राम मंदिर का इश्यू, जब बोलते थे कि तारीख कब बताओगे, लेकिन तारीख नहीं बताई गई, सीधे बना करके मोदी सरकार ने दिया है। मैं मोदी सरकार की इसलिए तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि मोदी सरकार आज हमारी सेना के साथ खड़ी है, तत्परता के साथ खड़ी है, आज पाकिस्तान का कोई भी घुसपैठी भारत देश में जम्मू कश्मीर में घुस नहीं सकता है, वजह एक ही है, हमारा नेतृत्व एक महान है, जिस वजह से हम नहीं तो देखिए तरवीन जी ऐसा होता ना कि मोदी जी के नाम पर मान करके चल रहे हैं आपके चुनाव लड़ा जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है मोदी जी के नाम पर ही अगर व्यक्तित्व और नेतृत्व सबसे सर्वोपरि है तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और नीचे स्तर पर जो मैं ये भी विषय रखना चाहता हूँ, वो चाहे अपने माला राजा लक्ष्मी शाह जी हो, अपने सांसद रह चुके हैं, उनसे भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीत करके आते हर वर्ष, इस समय अगर आप जीत करके आओगे तो आप जनता के बीच जरूर आना एक समय, और मैं कहना चाहूंगा कि पूरे आज भारत देश में एक अलग पहचान बन चुकी है कि आज हम यहां से कहते हैं कि एक युवा को जिता करके भेजना चाहिए, मुझे लगता है जिताना चाहिए, लेकिन अगर आज हम लोग सोचेंगे तो देश का नेतृत्व कहां जाएगा यह हमें सोचना पड़ेगा, देश के नेतृत्व के लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को आगे लाना होगा, नरेंद्र मोदी जी को आगे लाना होगा, ऐसा युवा का विचार है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, जैसे कि युवाओं ने अभी बताया, आप भी काफी समझ रखते हैं बड़कोट व्यापार मंडल को लेकर के और राजनीतिक परिदृश्य में भी, मोदी जी को आगे लाना होगा, कितना सही मानते हैं? देखिए सर, आज जो हर भारतीय के मन में एक बात थी राम मंदिर का,
वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से सपना पूरा हुआ है। और जब तक बात रही भारत की, तो भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है, वो भी हमारी जो एक इस चुनाव से लेकर के जो 400 पार की जो बात आती है, उसे हमारा एक कथन है कि भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हमारे भारत में जो आज तक की अराजकताएँ हैं वो पूरी हों। तो ये देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं युवाओं को बढ़ चढ़ करके इस चौपाल में हिस्सा लिए हुए हैं। हर कोई चाह रहा है कि मेरी बारी आए और मैं भी कुछ बोलूं, और हम इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतेंगे। युवा की जो युवा सोच है उसको बाहर जरूर लाएंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह रावत। रावत जी, लोगों का कहना है मोदी जी को आगे आना है और मोदी जी को लेकर के ही चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? मोदी जी ने अच्छा नेतृत्व दिया, देश को अच्छा चलाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है मोदी जी के सभी समर्थक हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर आप कब तक चलेगा? कम से कम आपको जन मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। हमारी रवाई घाटी की जहाँ तक मैं बात करूँगा, पेयजल समस्या से ये क्षेत्र कई सालों से जूझ रहा है, स्वास्थ्य की समस्याओं से कई सालों से जूझ रहा है। यमुनोत्री जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, कभी दुर्घटना हो जाती है तो एक आध डॉक्टर रहते हैं जो केवल उन्हें यहाँ से रेफर करने के लिए बैठे हुए हैं, जो डामटा या बन्नीगार नैनबाग तक जाते जाते वो डेड हो जाते हैं। तो हमारे जो जन मुद्दे हैं, जो इनकी जनता जन मुद्दों की बात जो करेगा, तो वो जल्दी से जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, जो जनता के लिए लड़ेगा। सही कह रहे हैं, जो 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 जनता की समझ रखेगा, जनता की समस्याओं का निदान करने में सहभागी बनेगा, उसे आगे आना चाहिए युवा कहना। एक और युवा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? किशन चौहान। चौहान साहब, मुद्दे अनेक और प्रत्याशी मैदान में, क्या सोच रखते हैं आप, कैसे प्रत्याशी को जिताएंगे? सर, हम तो यही सोच रखेंगे कि आज तक हमारी सांसद माला लक्ष्मी साथी, उन्होंने आज तक 3 बार बन चुके थे, आज तक हमने उनकी शक्ल अभी तक अपनी यमुनोत्री विधानसभा में नहीं देखी। एक बार आती है वोट देना मोदी के नाम पे, हम मोदी के फैन हैं, पर हम रानी से यही बोलना चाहेंगे कि मतलब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, आपने कभी पूछा है यमुनोत्री विधानसभा को? इसलिए आज आपने भी देखा होगा कि एक बेरोजगार भाई बॉबी पवार जी, जिनका आज नामांकन हुआ था, उनके जन सवाल में आज लाखों लोग उमड़े थे। मैं यही कहना चाहूँगा बेरोजगार संगठन से के अध्यक्ष भाई बॉबी पवार को, इस बार जो हमारी समस्या सुन सकता है और जिससे हम अपनी समस्या बोल सकते हैं, समस्या जिनको बोल सकते हैं उनको ही जिताना है, यही बात निकल करके सामने आ रही है। एक बार दोबारा आएंगे विनोद जी आपके पास। युवाओं की बात को आपने सुना, राजनीतिक समझ आप भी रखते हैं, क्या कहेंगे? मेरी क्षेत्र के युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से या देश के युवाओं से, हर किसी युवा से एक अपील है कि जो भी आप मतदान करें वो अपने भविष्य और अपने समाज और अपने देश के प्रति करें, उसकी समझ रखें। जो आप एक वोट करते हैं ये मात्र एक दिन का वो नहीं है, इसके पीछे आपका भविष्य निर्धारित होता है, एक वोट से आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो उसकी समझ जरूर रखें कि किस प्रत्याशी को आपको वोट देना चाहिए और किस प्रत्याशी को नहीं देना चाहिए, तो ये समझ रखनी चाहिए। युवाओं का कहना है, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, ये समझ जरूर रखनी चाहिए। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? विजय पाल रावत। रावत जी, हाँ जी, चुनाव लोकतंत्र का पावन पर्व माना गया, प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, प्रत्याशी मैदान में, क्या कहेंगे? स्वागत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेला है, इस मेले में अगर युवा भागीदार नहीं करेंगे, भागीदारी निभाएंगे तो कौन निभाएगा? सबका स्वागत है, दलों का, विपक्ष का, निर्दलियों का, सबका स्वागत है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो भी आदमी, चाहे वो निर्दलीय बॉबी पवार हो, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जो जितनी लंबी लकीर खींचेगा उसका उतना अच्छा प्रदर्शन होगा और उससे अच्छे मत और वो मिलेंगे। आज़ादी के कई साल बीत गए, लंबी लकीरें भी खींचती गई, बहुत वादे भी किए, धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लोग का आक्रोश। ये सवाल इस राजतंत्र की रानी से पूछिए, क्योंकि लंबे समय तक उनका राज रहा है। इस समय मोदी फेस नहीं है यहाँ पे, स्थानीय इशू को लेकर के, तिलाड़ी के शहीदों को लेकर, सिरदेव सुमन के शहीद मामलों को लेकर के, जो ये गूंगी गुड़िया दे रखी है ना संसद में भारतीय जनता पार्टी ने, इसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। आज पूरे युवा लामबंद हो गए, ये जो भाजपा बार बार करती है ना 5 किलो राशन पेंशन पुनशन, इन्हीं के बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है जो, वो आज एक तरफा दिख गया।
तो ये जो आक्रोश आज बॉबी पवार के नामांकन में भी दिखा, ये भाजपा के खिलाफ है। तो भाजपा की स्थिति यहाँ पे बहुत बुरी होने वाली है। अब इनको सिर्फ ये नहीं, जब कांग्रेस का शासन काल जब रहा, जब कांग्रेस का शासन काल रहा, क्या उस समय पूरी समस्याओं का निदान हो गया था? आप तो युवा हैं। हमारा एक बार यहाँ पे सांसद रहा, जो जब से हम राजनीति कर रहे, देखिए पुराने त्रिपन सिंह नेगी जी रहे, परपन्न पैनल जी रहे, जब से रहा विजय बोगना था, विजय बोगना ने रवाई की ओबीसी को केंद्र की अनुसूची में दर्जा दिलाने का काम किया। ये कांग्रेस के सिर्फ उसी को मनाना चाह रहे हैं आप भाजपा की बताओ ना, बतौर सांसद आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए बताइए। हमारे पास तो एक उपलब्धि है कि भाई 7 साल का हमारा कार्यकाल था सांसद विजय बोगना का कांग्रेस का, हमने यहाँ की ओबीसी को केंद्रीय अनुसूची में लाया, इस क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिया, आज जो इम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं लड़के उसी वजह से पा रहे, आरक्षण दिया है ना, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था हमारा, तो हमारी उपलब्धि ये रही है, भाजपा की उपलब्धि क्या रही है ये बताएं। तो आज जो यूथ इनके खिलाफ हुआ है, जिसको आप धर्म के एजेंडे पे भटकाते थे, राम मंदिर के एजेंडे पे भटकाते थे, वो अनएम्प्लॉयड यूथ आज किनारे हो चुका है। अब चुनाव है सीधा सीधा कैडर का, कौन संघर्ष करता है, कौन बातों को लेके जाता है, ये बातों का चुनाव है। यहाँ दारू पिलाने से, पैसे बांटने से वोट नहीं पड़ते। सही, आपके बिल्कुल आपके विचारों से बात हो, आपकी बात जायज है कि दारू से और पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते। सही, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ ज्योत सिंह गुनसोला, एक तरफ रानी जी, एक तरफ बॉबी पवार, क्या आंकेंगे आप? ज्योत सिंह गुनसोला सबसे अनुभवी आदमी है। देखिए बॉबी पवार जो है उस पंचायत का वकील बनेगा, हमारा संसद सदस्य बनेगा, वो एक एजेंडे को छुएगा, बेरोजगार के एजेंडे को छुएगा। लेकिन अगर ज्योत सिंह गुनसोला सांसद बनते हैं तो सरकारों में रहने की ना रहने की भूमिका निभाएंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो सवालों को उठाएंगे उनके साथ, कुछ विषय सरकारों के होते हैं, कुछ सांसदों के होते हैं। बॉबी अगर सांसद बनता है तो उन विषयों को छू पाएगा जो सांसद बन करके छुए जा सकते हैं। लेकिन अगर ज्योत सिंह गुनसोला जी सांसद बनते हैं, सरकार कांग्रेस की आती है, तो सरकार के जो निर्णय होते हैं, जैसे ओपीएस का मसला है, पूरे देश का मसला है, महंगाई का मसला है, आंगनबाड़ियों का मसला है, अग्निवीर का मसला है, इन सारे मुद्दों के साथ साथ बेरोजगारों के मुद्दों को भी छुएंगे, तो बड़ी पिक्चर बनती है। जब राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के साथ आप खड़े होते हैं तो बड़ी पिक्चर बनती है। भाजपा की बड़ी पिक्चर इसलिए बनती है, 10 साल से सत्ता पे है। अच्छा, ये कोई बड़ी पिक्चर नहीं बना पाए उस लेवल पे। भू कानून को लेकर क्या कहना? भू कानून लागू होना चाहिए, हम तो कहते हैं जो कांग्रेस ने भू कानून लागू किया था वो लागू कर दें, आपको बहुत बेस्ट करना है। एक ही तो राज्य है ये पूरे, जो हमारा पर्वतीय अंचल है, जितना भी देश का जितने भी पर्वतीय राज्य है, अकेला राज्य है जिसका भू कानून नहीं है। करो ना लागू, किसने रोका? 10 साल से बीजेपी सरकार, उनसे पूछना चाहिए भाई क्यों बिगाड़ रहे हो। इन्वेस्टर समिट के नाम पे आप यहाँ की जमीनों का गोरख धंधा करना चाहते हो पहाड़ों में, ये तो एक हमारी वैली जो बिकी नहीं है इसको बेचना चाहते हो। तो जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे आप भू कानून के साथ छलावा करने जा रहे हो, यूथ ने सही समय पकड़ा है, नब्ज इस समय अच्छी बात है। उत्तराखंड उन मुद्दों पर लड़ रहा है जिन मुद्दों के लिए राज्य मांगा गया। इस समय का जो लोकसभा चुनाव है वो मोदी के झूठे जुमलों पे या झूठे पे किसी भाषण पे नहीं आधारित है, ये स्थानीय था। चलिए, ये कटाक्ष है, राजनीतिक कटाक्ष है, वो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पर दिए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और आपसे जानना चाहूंगा, आप बिटिया हैं, आप जो ज्वलंत समस्याएं उभर करके सामने आ रही है जिसे आप फेस करते हैं वो क्या होंगी? सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज है बहुत ही पुराना है, तो मतलब पूरे क्षेत्र में यहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पे दूर दरार गांव से बच्चे आते हैं। तो मेरी मतलब सरकार से यही विनती है कि उसे मतलब पीजी उच्चीकरण, उस कॉलेज का उच्चीकरण कर दे मतलब। चलिए, अंकिता भंडारी केस के बारे में कुछ कहेंगे आप? अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसके लिए तो काफ़ी लोगों ने मतलब संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई उसके लिए, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हम लोगों की भी गलती है, या मतलब हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, तो अंकिता भंडारी जी को मतलब न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। एक और युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ताजवीर कलूड़ा है। कलूड़ा जी, मुद्दे अनेक और चुनाव नजदीक। मैं यहाँ पर सबसे पहले विजयपाल जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात है, मैं कांग्रेस पार्टी को तो कहीं पर आंकता भी नहीं हूँ। कारण आप टिकट को इस तरह बांटते हो कि मन मर्जी का खेल बना दिया, ठीक है। वही बीजेपी के अंदर, यहाँ बीजेपी की सांसद थी, हरिद्वार में टिकट बदल दिया, निशंक जी का टिकट बदल दिया और त्रिवेंद्र जी को दे दिया। क्या यहाँ रानी जी का टिकट नहीं बदला जा सकता था? मैं ये पूछना चाहूँ, रानी जी को यहाँ की जनता चुन के भेजती है, वो हम मौन बन के संसद में बैठी रहती है, ये जनता इस बार बदलाव करेगी? मोदी के नाम पे कब तक जीतेगी? कब तक जीतेगी मोदी के नाम पे? हमारी एक सड़क है सिड़क झुमराड़ा, 8-9 साल हो गए उसको बने हुए,
हमारे जो इस टाइम क्षेत्र के विधायक हैं श्री संजय डोभाल जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी से विधायक जीत गए, उन्होंने ही हमारे रोड का जो है डामरीकरण करवाया। कुछ और मैं यही बोलना चाहूंगा, ये यमुना बेली है, यहाँ पर निर्दलीय का वर्चस्व है और यमुना माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर निर्दलीय विधायक भी हैं। चलिए कुल मिलाकर के ये जो कंक्लूजन जो निकल करके आया, युवाओं के मन में बहुत कुछ उबाल है, मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करके अनिश्चितता की स्थिति से जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो परिणाम कुछ अलग हट करके आ सकते हैं। हालांकि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। ओंकार बहुगुना उत्तरकाशी उत्तराखंड तक।